गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो आई होप आप लोग अच्छे होंगे और पीछे का बैकग्राउंड देख ही रहे होंगे कि पीछे का क्या बैकग्राउंड है। सो आज एक सॉन्ग का शूट होने वाला है, तो अपन लोग रिजॉर्ट पे आए हैं। नेक्स्ट जो अपन शूट किए थे वो भी यहीं एक शूट था और एक कॉफ़ी वेले का शूट था। सो आप लोगों को मैं सोच रहा हूँ कि बिहाइंड द सीन एक अलग ब्लॉग बना लूँ, और मतलब जब शूट हो रहा उसका एक अलग कर, मतलब बिहाइंड द सीन अलग और पूरा डेकोरेट क्या कैसे सब उसका अलग। सो अभी आप लोगों को पीछे मेरा बैकग्राउंड दिख रहा है, बाकी पूरा इधर सामने पूरा देख सकते हैं। और ये बड़े भैया है मेरे, शिवम भैया, जो कि आप लोगों को लास्ट ब्लॉग के अंत में आप लोगों को मिलाया था। सो पीछे बैकग्राउंड देख सकते हैं कितना क्यूट सा बैकग्राउंड है, और काफ़ी सारी अच्छे डेकोरेट का पूरा सिस्टम हुआ है। यहीं पे शूट होने वाला है, और एक और लोकेशन है जो कि इससे भी ज़्यादा क्यूट मस्त ब्यूटीफुल लोकेशन है। सो वहाँ पे भी आप लोगों को दिखाएंगे, बट इससे पहले यहाँ का शूट हो जाए, और जब बिहाइंड द सीन आप लोगों को दिखाएंगे तो सारी लाइटें जो अभी ऑन है तो वो लाइटें बंद हो जाएंगी, तो बिहाइंड द सीन देखने में बहुत ज़्यादा आप लोगों को मज़ा आएगा। तो चलिए कभी मैं रैप करता हूँ भैया, फिर मेरे को एक बर्ड बताएंगे जिसको मैं रैप करने वाला हूँ, तो बताइए कोई एक बर्ड। प्यार करता हूँ मैं प्यार करता हूँ तुझसे दिल और जान की तरह, ओ हाँ मैं प्यार करता हूँ तुझसे दिल और जान की तरह, तेरी क्यूट क्यूट से तेरी आंखें, हाँ तेरी क्यूट क्यूट से तेरी आंखें जो मैं खत्म माल करती है, आंख तेरी लगती बवाल तू दिखती है, हट तेरी हट सी जवानी है, तेरी क्यूट क्यूट से स्माइल मंदे हो जाए। करने आए थे तो आप लोग बताइए कि कैसे लग रहा है। सो शॉट स्टार्ट होने वाला है, जस्ट बिगेन लुक, पूरा कंप्लीट लुक देख सकते हैं। और भैया लोग तैयार हो रहे हैं और तैयार हो चुके हैं। सो कैसे लग रहा हूँ बताएगा, और मैं जैसा कि बोल रहा हूँ कि एक अलग ब्लॉग रहेगा और बिहाइंड द सीन अलग रहेगा अपना। सो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि कैसा शूट हुआ है, जो भी जैसा भी। एक और लोकेशन पे आ गए हैं गाइस, जहाँ पे ये शूट हो रहा पूरा लाइट लाइट का। उसे बोला एकदम ना, अरे ना सुने इतना जी बोला था उनका खटोल ना ले भाई, मत तेज सुन उनका रोल, उनका रोल बताई। हां कल था पर्यावरण दिवस, हम बाहर देख ले पंछी ना, बाहर देख ले ये देख, हम पंछी को फोटो शूट करनी चाहिए, बदल ले पंछी और आवे नहीं। हम पंछी मतलब पर्यावरण दिवस कल था, आज हम बच्चों को बतावन का करे चाहिए, काने करे चाहिए, का कैसे कहे महाराज। देखो ये लोकेशन है जहाँ पे शूट हो चुका है, और सडनली हम लोग एक जगह पे जा रहे हैं नेक्स्ट जगह। सो कुछ इस तरह का बैकग्राउंड पूरा इसका था। सो है गाइस ये एक कॉन्सर्ट की लोकेशन है जहाँ पे, हाँ तो चलिए डांस करिए, पसंद बहुत बैकग्राउंड बहुत कहते हैं, दीवाने हम नहीं होते, दीवाने हम नहीं होते दीवानी रात। तो गाइस फाइनली मैं माइक तो नहीं लिया हूँ, लेकिन शूट अंदर साइड हो रहा है और सडनली मैं बाहर निकला तो आम देखा, तो इतने मीठे आम है ये, तो तोड़ा और खा रहा हूँ आम। साथ में मेरे साथ कोई और हैं जो कि रिलेशन में आते हैं, और मेरे जीजा जी लगते हैं रिलेशन में। सो आप लोग काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय कर रहे होंगे वीडियो को देख के, और आप लोग कमेंट में रिकमेंड भी कर सकते हैं कि मैं किस टाइप की वीडियो बनाऊं और कैसी बनाऊं। बाकी देख ही सकते हैं कि पूरा रिजॉर्ट पूरा हरा भरा है, और काफ़ी ज़्यादा अच्छे अच्छे सीन हैं। सो देख सकते हैं आप लोग। तो पूरा सुनसान है, इधर से एक बाइक आ रही, इधर से भी नहीं आ रही, इधर से भी नहीं आ रही, और देख सकते हैं अपन लोग चलते हैं और देखिए क्या होता है। अब अपन लोग चलेंगे न्यू ड्राइव पे,
न्यू ड्राइव है, वो ऐसी ड्राइव रहेगी जो बिना तेल के चलेगी। आइए हम आपको दिखाते हैं कैसी अमेजिंग टेक्निकल ड्राइव। यस ला 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 ला। जो गाइस बैकग्राउंड में दिखा रहा था, फाइनली उस लोकेशन पे शूट होना भी स्टार्ट हो गया है। तो आप लोग देखिए और एंजॉय कीजिए बिहाइंड द सीन। सो फाइनली गाइस ये शॉट के बाद शूट अपना कंप्लीट हो जाएगा। पूरी रात शूट चला और सुबह के 6:30 बज रहे और ये लास्ट एक शॉट है जो कि वह सब ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से घर पहुंचने के बाद। गाइस जैसा कि आप लोग जानते हैं वीडियो कंप्लीट शूट हो चुका है, जो कि मैंने बताया था कि 30 से 40 सेकंड मैंने बिहाइंड द सीन जो कैप्चर किया, क्योंकि शूट में मेरा भी हल्का फुल्का 2-4 सेकंड का रोल था तो कर नहीं पाया था। बट हाँ, जो भी जितना भी शूट किया था, तो आप लोग बताइएगा वीडियो का कौन सा पार्ट आप लोगों को अच्छा लगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को शेयर करें। और इस सॉन्ग की लिंक मैं अपने चैनल पे दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आप लोग जाके देख सकते हैं। म्यूजिक फैक्ट्री 38 चैनल का नाम है, उसका मैं लिंक भी दे दूंगा। तो पूरा सॉन्ग सुनने के लिए आप उस पर विजिट कर सकते हैं और पूरा सॉन्ग सुन सकते हैं। और अगर सॉन्ग अच्छा लगे तो सॉन्ग को आप शेयर भी कर सकते हैं। चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और बस इतना ही मैं कह सकता हूँ कि वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू टिल देन, टेक केयर, गुड बाय। मिलते हैं ऐसे ही मज़ेदार और एक नेक्स्ट ब्लॉग के साथ।